ठंड के दिन चल रहा है यार, आपका सब्सक्राइबर बढ़वा जब तो गोप्रो ले यार, अब आवाज हम उनका नाम का। हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है यार, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके मारे ब्लॉग शूट भी नहीं कर पा रहे हैं हम। और आज जैसे तैसे आज सुबह देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है। जैसे तैसे बंद हुई तो सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो चलो चलते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। और अभी बजा है सुबह के 9:30, और 9:30 बजे देखिए अब कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और हम निकले हैं डेली की तरह आज भी जिम, और चलो चलते हैं, देखते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है, पूरा गिलाया गिलाया हो गया चारों तरफ। चलिए चलते हैं। देखिए गाइस यार कितना ज़्यादा पानी बरस चुका है, देखिए कितना ज़्यादा भर चुका है। चलिए मज़े लेते हैं पानी के। और ये चंदन दादा, ओ भाई पूरी गाड़ी धुल गई मेरी, कसम से यार मज़ा आ गया। मुझे ना ऐसे गड्ढों में चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पूरी बाइक छिटक जाती है, पैंट शर्ट सब छिटक जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो चलते हैं रोड पे यार, आज बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है यार, सन्नाटा मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति है, बिकॉज़ पानी बरस रहा था तो लोग भी अपने अपने घरों में आराम से चाय पकौड़े का आनंद ले रहे होंगे। और सही है, ये सही चीज़ है यार, बरसात होती है तो ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, सब यहाँ वहाँ खिचल पिचल रहता है। तो चलो चलो राइड राइड इन्जॉय करते हैं। अरे 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 भाई भाई, साइड से हट के खुजा लो यार, क्यों बीच रोड पे खुजा रहे हो? माना कि तुम्हारा रोड है लेकिन यार साइड से तो खुजाओ। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जिला परिषद पे, और यहाँ पे भी देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खैर ज़्यादातर दुकानें बंद नहीं हैं। और अभी भी थोड़ी बहुत बारिश होने लगी है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं मेरे ऊपर, आपको देख तो रहा ही होगा कि बूंदें थोड़ी थोड़ी गिर रही हैं, हल्की सी बारिश फिर से चालू हो चुकी है। और ओ भाई ये अचानक से कैसे निकल जाते हैं? अरे बेटा साइड से होके चलो यार, को देखा तो करो आगे पीछे, कुछ नहीं देखते हैं आजकल के, बस बस अपने में मगन होते हैं। और ये स्कॉर्पियो वाला पता नहीं भाई किस हिसाब से चला रहा है भाई कार। चलिए देखिए मलिंगा नाला कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी भीड़ देख रही है कितना पानी हो चुका है कितना नहीं। तो यार चलो हम पहुँच चुके हैं अपने जिम के पास, और मिलते हैं सीधा जिम में। अरे वाह यार, आज यार विजय चक्रवर्ती जी आए हैं, हमारे यूट्यूबर, उनकी ये बाइक खड़ी है। चलिए मिलते हैं विजय चक्रवर्ती जी से। बढ़िया है सर, आपके यहाँ पानी नहीं भरा है? हाँ। नहीं आए, घुस के नहीं आए पानी में? हाँ हाँ, बहुत बारिश करवा रहे, थोड़ी आदेश दे भैया। स्विमिंग पूल भर का ध्यान जा रहा है चक्रवर्ती जी। अरे चक्रवर्ती जी, तो गाइस ये है यार हमारी सस्ती जिम गरीबों वाली यार, तो देख लीजिए आप, ये मेरी जिम है, यहाँ पे ही मैं डेली आता हूँ जिम करने, तो देख लीजिए आप। हमारी जिम हो चुकी है, और हाथ का हाल देखो, ये हो गया, ये छाले पड़ गए, इसमें ही पड़ गए, इसमें ही पड़ गए। विजय भाई तुम्हारे कहाँ पड़े? हमारे पहले बहुत छाले थे हमारे, अब तो खत्म हो गए। अभी तेरी मेरे भाई पहले बहुत मैंने मेहनत की। चलो अब निकलते हैं, बैठे खाते भी।
फाइनली गाइस यार हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और अभी मुझे सूचना मिली है कि मेरे पुराने वाले घर पे जाने के लिए जो पुल था वो पूरा डूब चुका है। तो अभी हम जाके उसको भी देखेंगे, और उससे पहले हमको थोड़ा सा बनाना मतलब केला, हाँ केला, केला हमको लेना है। तो यार पहले केले ले लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने पुराने वाले घर के रूट पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनने में आया कि वहाँ पे पुल के ऊपर पानी चल रहा है। उसको भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या सीन है वहाँ का। तो सबसे पहले यार तो केले ले लेते हैं, और मैं ज़्यादातर फ्रूट्स बाबा जी के यहाँ से लेता हूँ क्योंकि इनके पास फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं और दाम भी ठीक ठाक लगा लेते हैं, इसलिए मैं यहीं से लेता हूँ। ऐसा केला कैसे था, एक किलो दे दे, एक किलो अब ना तैयार है बाबा को कहा, बाबा सही है बाबा, ठीक गले से ना हो इधर, हाँ ठीक है भाई। फाइनली हम लोगों ने केले ले लिए हैं, ये अच्छी चीज़ दी है रावण भाई बाद में दी तो नहीं है इसके लिए, लेकिन हम लोग जुगाड़ है ना, इंडिया में जुगाड़ा ज़्यादा चलते हैं, तो जुगाड़ा कर लेंगे। ये होते हैं सत्तर रुपये लखन के खेल में, चला के पास पहुंच चुका हूं, और यहां पर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है लोगों की, लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है यहां का सीन। तो मैं भी चलता हूं अपने पुराने वाले घर के रोड पे, और ये रोड है जिला परिषद से बजरिया के लिए, और देखते हैं यहां पे देखिए कितना ज़्यादा पानी है कि नहीं। यहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो है और लोग बाग काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहां पे खड़े हैं, देखो देखो क्या होता है। अरे जाओ जाओ में, ये सही है यार। इस बार कुछ ज़्यादा ही पानी भर गया, उसके लिए देखो पुलिस प्रशासन को लगाया गया है यहाँ पे। ये मेरे पुराने घर के लिए रास्ता है जहाँ पुराने घर के लिए जाते थे, और आप देखो पानी कितना ज़्यादा भर चुका है यहाँ पे। अच्छी बात है पुलिस प्रशासन को लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे यहाँ के ना लड़के नहाने के लिए निकल जाते हैं, और वो बार बार सबको कह भी रहे हैं कि सब लोग बाहर जाइए, लेकिन लोग बात सुनने के लिए राजी नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो देखिए आप सामने लोग, सामने से लोग भी आ रहे हैं मना करने के बाद भी यहाँ पे आ रहे हैं। पहचान पाए हमने मोटो ब्लॉगिंग चालू कर दी ना, निकल नहीं पा रहे वो लोग, कैसे आ रहे हैं, अच्छा घर है उन लोगों के, वो मजबूरी है नहीं उस साइड पुल के उस साइड, अच्छा घर है जी, अच्छा करा इस बार पुलिस प्रशासन बैठा दिया। पब्लिक का पूछोगे नहीं, पब्लिक अभी चली जाएगा ना हो जो लोग, देखो दूर दूर तक पानी, यहाँ तक पूरा पुल डूब चुका है। और ये खड़ी है हमारा R15, यहाँ चलते हैं। ये तो एक तरीके का पर्यटक केंद्र हो चुका है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी ले रहे हैं, पोज ले रहे हैं, निकल रहे हैं, चलो हमको हो रहा है लेट। यार जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी थी, बिकॉज पिछली बार जो
बारिश हुई थी उस कारण से वहाँ पे 3-4 लोग बह के आए हुए थे, मृत पाए गए थे। तो उस हिसाब से यार प्रशासन को हर बार रखना चाहिए, यह नहीं कि जब घटना कोई हो जाए तभी प्रशासन वहाँ मौजूद हो। और बाकी का ठीक ही है यार, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं से तो पानी का निकास होगा ही। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं जिला प्रशासन और हम जा रहे हैं घर की ओर। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी यार इस छोटे मोटे नाले या नदियों के पास बरसात में ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको अगर ज़्यादा ही नहाने का मन हो रहा हो तो ज़्यादातर स्विमिंग पूल में जाएं, वो भी कम गहराई वाले में। ये नदियों नालों से यार बचे यार। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी मैं बोलूं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अगला नाम आपका ही होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें अपने छोटे भाई को और आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच। अपनी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जान बची तो लाखों पाए, तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। तो यार आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का जो शाउट आउट है वो है नानचुक रावत। तो नानचुक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस करके रखें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।